हालात दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। कई राज्य तालाबंदी की मियाद बढ़ा चुके हैं तो कई राज्य इसकी तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी मियाद बढ़ाने के संकेत दिए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि राज्य सरकारों का खजाना खाली हो चुका है और वे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक पैकेज की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कब मिलेगा राज्यों को फंड, इस रिपोर्ट में देखिए। तालाबंदी के समय में देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, जिसका नुकसान केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के खजाने पर भी पड़ रहा है। कई राज्य तो केंद्र सरकार पर फंड देने के नाम पर भेदभाव करने का आरोप भी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की थी। राज्यों का कहना था कि उनके पास तालाबंदी के चलते पर्याप्त संसाधन नहीं है। बैठक के बाद पुडुचेरी के सीएम वी नारायण सामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि तालाबंदी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति नाजुक है और वो इस हालत में नहीं है कि मौजूदा मुसीबत का मुकाबला कर सकें। इसलिए केंद्र को राज्य सरकारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। दरअसल आर्थिक पैकेज को लेकर सरकारें लंबे समय से केंद्र से मदद मांग रही हैं। इससे पहले भी जीएसटी बकाया भुगतान को लेकर भी कई बार राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी सरकार से दरख्वास्त कर चुके हैं। जब सरकार ने इससे पहले राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी तो लगा था कि जीएसटी बकाया भुगतान करने से केंद्र को थोड़े समय के लिए मोहलत मिल जाएगी, लेकिन बंद की मियाद बढ़ने से अब केंद्र को इस पर राहत मिलती नहीं दिख रही। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक पैकेज के अलावा बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ने राज्यपाल और उपराज्यपालों के सरकार के कामकाज में दखल का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और उपराज्यपालों के हस्तक्षेप के कारण मौजूदा परेशानी से पार पाने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। वहीं बैठक के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने भी सवाल किया कि सरकार कामगारों, छोटे दुकानदारों, एमएसएमई और उद्योगों के लिए क्या कदम उठा रही है। साफ है कि तालाबंदी बढ़ने की स्थिति में सरकार के सामने कई मुसीबतें खड़ी होंगी। देखना है कि इन विषम हालातों में मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।